अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अली हूँ, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ साल में 2 साल से रह रहा हूँ बैठे देखते हुए, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मजदूर जो काम करते हैं उनके ऊपर क्या कुछ गुजर रहा है, खास करके जो यहाँ पे हमारे मुल्क के लोग आए हुए हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो लगे हुए हैं इस कोशिश में कि उनको काम मिले, लेकिन काम मिलना और ना मिलना ये तो नसीब की बात होती है, लेकिन यहाँ इन लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा है ये मैं तो डिटेल्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ यूएई में पोजीशन मजदूर लोगों के लिए कितना डाउन पड़ गया है और किस कदर मुश्किल हो गया है वक्त गुजारना इन लोगों के लिए। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो के एडिटिंग में मेरा हेल्प किया जिया रहमान ने, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए चल के देख लेते हैं इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम भाई, भाईजान आपका नाम? मेरा नाम आलम है। आलम, आप कहाँ से भाईजान? मैं बांग्लादेश से आया। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे मैं 2 साल है। अच्छा, तो भाईजान काम क्या करते हैं यहाँ पे आप? मैं तो आया जो ड्राइवर के पद पे आया था, लेकिन हमारे को ड्राइवर को लाइसेंस दिया नहीं है, उसके पास काम नहीं है, मेरे को बात छोड़ दिया है, लेकिन अभी तो मेरे को वीसा ओवर डेट हो गया, मैं अभी कहाँ जाऊँगा, गरीब बंदा है, इधर घर का पीछे में आया था। अच्छा, तो आपको लाइसेंस भी नहीं मिला, और अभी जो लाइसेंस नहीं मिला, अरबा भी लाइसेंस भी दिया नहीं है। ठीक, तो फिर उधर से अरबा बोला तुम बाहर जाके लाइसेंस किधर भी मिल जाएगा तो तुम उधर से वीसा लगा दो। ठीक, चलो मैं इधर आया, बहुत पैसा 8,000-10,000 रुपये मांगता है, तो मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब बंदा किधर जाऊँगा, इतना पैसा खर्चा करके आया, फिर उधर बार आजाद किधर से लगाऊंगा, वीसा लगाऊंगा, मैं अभी। ठीक है भाईजान, कुछ लोग हमारे मुल्क के हैं, पाकिस्तान के हो गए या बांग्लादेश के हो गए या इंडिया के, जिधर के भी लोग होंगे अभी जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, वो यहाँ पे आए या ना आए, खास करके जो लेबर लोग हैं? खास करके जो जिसके जो काम में स्टडी मालूम होता है, जो उसको अच्छा पक्का वाला काम मालूम है, जी, वो लोग आएगा तो वीसा सही है, ये तो ये काम सही है, बराबर दे सकता है, वो लोग आ सकता है, जिसका काम मालूम नहीं वो आएगा तो इधर से बहुत प्रॉब्लम है, इधर खर्चा रूम आते कितना सुबह से शाम तक 1,000-2,000 बंदा बैठ के रहता है, लेकिन ये लोग के पास काम नहीं है, रूम का खाना नहीं है, रूम भाड़ा देने के लिए मुश्किल है, खाने का मुश्किल है, काम भी नहीं है, इधर का बहुत मुश्किल है। इधर मेरे हिसाब से जो इधर बंदा नहीं आना चाहिए, जो इधर का जो पैसा का भी बहुत प्रॉब्लम है, लोग बड़ा लोग जो है ये पैसा अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, काम पूरा बंद हो गया, इधर अभी बहुत पहले से जो सुन रहा हूँ बहुत पहले से बंदा का पैसा था जी, अभी बहुत मुश्किल है, अभी पैसा काम करेगा 1-2 महीना, मैं भी अच्छा ये कंपनी में काम किया था, वो भी 2 महीना काम करा के मेरे को पैसा दिया नहीं, बस वापस दे दिया, उसको मोबाइल भी बंद है, वो भी बंद है, सब बंद, अभी मैं किधर जाऊँगा, इधर खाने का मुश्किल, सोने का मुश्किल, दूध बढ़ा देने का, वो लेने का, वो लेने का, आए चाहिए 4-5 दिन काम करेगा, एक दिन काम मिल जाए, उसका पैसा बराबर, अभी बहुत मुश्किल है। अच्छा भाईजान, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना है, जिस तरह हमारे मुल्क से लोग आते हैं उसको 2.5-3 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तो आपके बांग्लादेश से भी इतने ही पैसे लगते होंगे? हाँ, वो इतना पैसा लगता है, उससे ज्यादा भी लगता है, लेकिन वो लोग को सोच के समझ के आना चाहिए, जो अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि जो लेबर लोग हैं उनको नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, जो एजुकेटेड लोग हैं जो किसी अच्छे प्रोफेशन में आ सकते हैं तो उसको आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। I feel
and cuss. No.